सौ से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं और दो सौ से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं कल के पेशावर के धमाके में एक सौ लोगों का मतलब है कि एक सौ खानदान और दो सौ लोग जख्मी हुए तो कितने और ज्यादा खानदान इससे अफेक्टेड हुए होंगे इस धमाके से पूरे पाकिस्तान के लिए यह सोगवार लम्हा है लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी दहशतगर्दी आखिर हुई तो हुई कैसे अभी आपके सामने ये जो पर्चा चल रहा है ये तरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से है जिसमें उन्होंने डिनाई किया है कि हमारा इस धमाके से कोई लेना देना नहीं हमने माजी में देखा है कि जब भी पाकिस्तान में धमाके हुआ करते थे तो कोई ना कोई ग्रुप उसकी जिम्मेदारी कबूल कर लिया करता था क्योंकि जो दहशत गर्द तनजीमें होती हैं उनके लिए ये एक अवार्ड से कम नहीं होता कि उन्होंने कोई दहशत गर्दी की सरगर्मी की है तो वो उसको अपने क्रेडिट पे लेना ज़रूरी समझते हैं लेकिन ये जो अभी आपके सामने साइड पे नज़र आ रहा है इसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले क्लियरली ये बता रहे हैं कि हमारा इस दहशत गर्दी के वाक़े से कोई लेना देना नहीं लेकिन ये धमाका भी तहरीक पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एक फैक्शन ने किया मौलाना मौदूदी रमत फरमाते थे कि गलतियाँ कभी बांझ पैदा नहीं होती ये हमेशा बच्चे देती रहती हैं और ये वो बच्चा है जो ग़लती हमने ज़िया साहब के दौर में पैदा की थी जब हमने तालिबान बनाए थे और आज वो भी जो हमने जियाल हक के दौर में बोया था आज उसकी फ़सल हम काट रहे हैं इन शहादतों के नतीजे में इस गलती का हमें कोई ना कोई तो सद्दबाव करना पड़ेगा सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह समझने की है कि तारीख तालिबान पाकिस्तान अब एक गिरोह नहीं रह गया आपने अक्सर देखा होगा हिंदी फिल्मों के अंदर उसमें एक मेथोलॉजिकल करेक्टर है रावण का जिसमें रावण के दस सर होते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान पाकिस्तान का रावण बन चुका है जिसके एक से ज़्यादा सर हैं आप एक सर को कुचलेंगे तो कोई ना कोई और सर उठ खड़ा होगा तो तहरीक 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 तलाबान पाकिस्तान से निमटने के लिए हमें कौमी सतह के ऊपर एक लाल की ज़रूरत है और हमारी पाकिस्तान का ये अलमिया यह है कि यहाँ पर जिसकी जो ज़िम्मेदारी होती है वो वो ज़िम्मेदारी के अलावा हर काम कर रहा होता है आपने पिछले दिनों में बहुत सारी ऑडियो लीक सुनी होगी काश कोई ऑडियो लीक इस दहशत गर्द की भी हमें मिल जाती जिससे इस सानहे को हम रोक सकते लेकिन जाहिर है जब आपकी तरजीह कुछ और होती है तो ऐसे वाक़ तो फिर पेश आते ही रहते हैं अल्लाह ताला जो शहदा के लवाकिन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए और पाकिस्तान को ऐसी मज़ीद मुसीबतों से बचाए रखें दहशत का मामला तो अपनी जगह पर है ही इसके अलावा भी पाकिस्तान कई किस्म के, के माम, आ, मसलों से घिरा पड़ा है आज ही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जारी हुई है जिसके अंदर पाकिस्तान की रैंकिंग 180 सौ में से एक नंबर पे है यानी हमसे एक मुल्क ऐसे हैं जो हमसे बेहतर हैं जो हमसे कम करप्शन करते हैं अगर हम सबसे टॉप मुल्क को देखें तो वो स्वीडन है जिसका स्कोर है नब्बे इंडिया को अगर हम देखें तो वो चालीस स्कोर के साथ पचासवें नंबर पर है एटी नंबर पर है और हमारा स्कोर है ट्वेंटी तो दुनिया के करप्ट तरीन ममालिक में हमारा शुमार होना ही था जाहिर है हमें पता ही है कि हम आ, किसी भी सरकारी महकमे में जाएँ तो ये हो नहीं सकता कि आपका काम जाते ही हो जाए आपको पैसे देने दिलाने पड़ते हैं और दायरा है, जब करप्ट नेशनस हो जाती हैं तो फिर उनका हाल यही होता है इकॉनमी के आज जो शुमारी है आपके सामने महाना रिपोर्ट जो है वो न्यूज़ पे आपने सुनी होगी उसमें ये भी बताया गया है कि ट्योटा अपना प्लांट जो है वो दो महीनों के लिए बंद कर रहा है कितने ही ऐसे बिजनेसेस हैं जो बंद हो चुके हैं स्माल स्केल इंडस्ट्री जो है इन हुकूमतों की वजह से बंद हो गई अब थोड़ा सा मुवजना करते हैं कि आखिर ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है इससे हमने खोया क्या है पाया क्या है आपको याद ही होगा कि दो साल तक पूरी दुनिया कोरोना जैसी पेंडेमिक से जो है वो आ, लड़ती रही और इसमें बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जो हैं वो भी लड़खड़ा गई लेकिन पाकिस्तान सम अल्लाह की मदद से आ, या फिर आ, जो है सियासतदानों की या इमरान ख़ान साहब की बेहतर पॉलिसी से समहाओ स्टैंड करता रहा दो साल के पेंडेमिक के बाद भी आपके अगर आ, मालियाती इदारों की रिपोर्ट्स देखें तो उसमें पता चलता है कि पाकिस्तान कंजेक्टिवली ग्रो कर रहा था आपकी जो शराह नमूत थी वो 5.97 परसेंट थी यानी आपका जीडीपी जो है वो 6 परसेंट तक पहुंचने वाला था और ज़ाहिर है उसके असरा नज़र आ रहे थे आपकी जो इंडस्ट्री थी वो दोबारा से खड़ी हो रही थी लेकिन ज़ाहिर है जब आ, दो साल का कोरोना गुजरा तो उसके असरा हमारी आ, जो है मईशत पर भी पड़ने ही थे और थोड़ी सी महंगाई बढ़ रही थी उस वक़्त महंगाई का इतना ज़्यादा वावेला मचाया गया कि जो पी टी आई के स्पोर्टर्स भी हैं वो भी बेचारे जो है वो शक व शुबहत में पड़ गए उन्हें लगा कि हाँ जी वाकई महंगाई हो रही थी और जाहिर एक आदम एक आम आद्म आदमी बेचारा जो है उसको इससे कोई लेना देना नहीं होता कि इंटरनेशनली क्या हो रहा है करोना था या फिर रशिया और यूक्रेन की वार स्टार्ट हो गई थी इससे उनका कोई लेना देना नहीं है उनको ये है कि उनको सस्ती चीज़ मिलनी चाहिए तो जो अपोजिशन थी उस वक्त की जो आज की हुकूमत है पीडीएम वालों ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ था और अवाम उनकी हमनवा थी फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू इमरान खान को निकाला और फिर आवाम को ये लगा कि अब जो है महंगाई उसका जिन जो है वो बोतल में वापस ये बंद कर देंगे लेकिन हमने देखा कि हुआ क्या थोड़ा सा मैं आपके सामने ये क्योंकि हमारी हर चीज़ जो है वो रिलेट करती है ऑयल प्राइसेस के साथ जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब इंटरनेशनली अगर हम देखें तो जो ऑयल प्राइसेस थी वो एक बैरल जो था वो 125 डॉलर का था इमरान खान के दौर में और यहाँ पर हमें पेट्रोल कितने का मिल रहा था 150 का और पीडीएम की हुकूमत में ये प्राइसेस कितनी लो हुई छियासी डॉलर का अब बैरल है छियासी डॉलर का एक बैरल और हमें पेट्रोल कितने का मिल रहा है 250 का इमरान खा? हाँ। खान साहब की ज़माने में ये पेट्रोल कितना महंगा था 125 डॉलर का बैरल था और हमें 150 का मिल रहा था महंगाई की जो ये लहर है ये अभी शुरू हो रही है आईएमएफ इस वक्त पाकिस्तान में मुजात कर रहा है उसी साखदार के साथ जो कहता था कि आई डोंट केयर और आई एम एफ माई फुट और दिस एंड दैट आज वही लजाजत के साथ उनके सामने मुस्करा रहे हैं और हमें नज़र आ रहा है और वो मन्नत तरले कर रहे हैं कि जो आई हमें कहेगा वो हम कर लेंगे महंगाई का ये जिन जो है ये अभी अभी समझिए कि इट्स द टिप ऑफ द आइसबर्ग इसके नीचे जो अभी तूफ़ान आने वाला है ये एक आम आदमी बेचारा तो उसका जीना पहले ही मुहाल हो चुका है वो जो जो तबका था अब उनके लिए भी मुश्किल पैदा होना शुरू हो गई हैं अब इसमें सबसे ज़्यादा मसले की बात क्या है सबसे ज़्यादा मसले की बात यह है कि इस वक्त पी की जो तेरह जमातें आपके सामने आपको नजर आ रही हैं ये जो इस वक्त हुकूमत संभाली हुई हैं ये हमारे तीस बरस का कलेक्टिव पोलिटिकल विजडम है यानी ये तेरह जमातों में से पिछले तीस सालों में कोई ना कोई जमात ज़रूर ही इकतदार का हिस्सा रही है ठीक है एक तरफ इमरान खान साहब को तो हम गलत कह ही सकते हैं लेकिन आप ये समझिए कि हमारे तीस साल का जो सियासत के अक्ल मंद तरीन लोग इस वक्त आपके हकूमत में हैं तो आप ये ख्याल दरा कीजिए कि अगर ये तीस साल की हकमत हमारी है सियासी और इन सियासी हकीमों ने हमारा दस महीने के अंदर क्या हाल किया है अगर हम इन्हें अगले पाँच साल देने तो हमारा क्या हाशर होगा सवाल सिर्फ ये है आपके लिए कि अगर हमने इस पीडीएम की तीस साल सियासी हिकमत को फिर से पाँच साल दे दिए जो कि वो ज़बरदस्ती लेना चाह रहे हैं तो दस महीनों में जो आपका हशर हुआ है वो तो हुआ ही है अगले पाँच सालों में क्या होगा ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ आज के लिए इतना ही मैं हूँ ज़ियाफर धीशान और यह है मेरा चाना शुक्रिया